सभी को मैं अरविंद अकेला कल्लू बार बार प्रणाम करता हूँ। ये 2019 का प्रणाम है आपका और मैं तो कम से कम पहली बार आपसे इस साल में रूबरू हूँ। अरविंद अकेला कल्लू और उनके ये डायरेक्टर मित्र चंदन जी, ये क्या कर रहे हैं आज? आज हम लोग अपनी फिल्म बब्बर फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं मड मुंबई में। गाने की शूटिंग हो रही है और इस फिल्म की आखिरी पड़ाव पे एक दो दिन में हमारी शूटिंग पूरी हो जाएगी और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमारे चंदन उपाध्याय सर जो कि हमारे बड़े भैया हैं, इनके साथ मैंने पहले आवारा बलम बनाया था और दूसरी फिल्म हमारी बब्बर है। हम लोग की हमेशा कोशिश रहती है हमारी पूरी टीम की कि एक अच्छी मूवी हम दर्शकों के बीच दिखाएँ, जो कि जब भी लोग देखें तो खास करके इनका एक अलग अहम भूमिका रहता है कि मैंने जितने सारे मूवी किए उससे कुछ हट के कुछ अलग हमको पेश करना चाहते हैं। तो इस फिल्म में भी वही है। आवारा बलम में लोग बोले थे कि कल्लू एक्शन इतना ज़्यादा नहीं कर पाता है, कम करता था, एज ए एक्शन मूवी आवारा बलम इन्होंने बनाया और बब्बर भी कुछ हट के ये सिनेमा है, तो आप लोगों को काफ़ी मजा आएगा। ये कौन आ गया भाई? तनुश्री जी। हेलो एवरीवन, हाय, हाउ आर यू एंड वेलकम टू आवर सेट। तनुश्री जी, वैसे जब ये आप लोग यहाँ से अरविंद अकेला कल्लू जी अकेले अकेले चिल्ला रहे थे तनुश्री जी आइए तनुश्री जी आइए, हालांकि चंदन उनका साथ नहीं दे रहे थे, अलग बात है, तब आप कहाँ थी? मैं सब रूम में बैठ के आराम से एकदम ठंडे ठंडे हवा खा रही थी। अच्छा, मैं चाहती थी कि थोड़े से धूप में रहे, ऐसे नाम इनका गलत है कल्लू, तो सोच रहे कि थोड़ा सा काला हो जाए तो फिर नाम शूट भी करें। नहीं, एक्चुअली वो पहले काले थे, अब गोरे हुए हैं। अब गोरे हो गए, राइट। अरविंद जी देखिए आपके शुभ चिंतक कितने हैं। हाँ, मुझे जलन हो रही है, मैं चाहती हूँ कि काला हो। आप हमारी बहुत कुछ बातें जानते हैं जो कि कोई नहीं जानता है, तो थैंक यू सो मच आपका। सही बात है, मैं जब बचपन में जब पैदा हुआ था तो बहुत काला था, लेकिन जैसे ही बड़े 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 होते गया वैसे बहुत जितना प्यार मिलता गया उतना बुरा होता गया। पब्लिक का प्यार, तो प्यार में एक्चुअली बहुत ताकत होती है, ताकत होता है, तो उस ताकत ने इसको बहुत बुरा और स्मार्ट बना दिया। लोग को प्यार में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन मेरा प्यार देखो बुरा था। और हम हीरोइन से एक्चुअली वो प्यार नहीं है, वो प्यार देखिए ये सावला हो गए हैं, वो एक्चुअली प्यार नहीं है, उसको क्या बोलते हैं छोड़ो जाने तो नहीं बोलते। ये आदमी तो धूप में बेचारे काम कर करके काले हुए हैं, वो कौन सा सनस्क्रीन लगा दो, सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं? नहीं, एक्चुअली मैं दीपावली के दिन पैदा हुआ था तो जो दीप जल रहा था ना, तो सारा जो वो निकलता है धुआं उसका ना, तो मेरे फेस पे ही आ गया था, इसीलिए वो ऐसा बने हुए यार, ये देख लो। अच्छा, बेसिकली चंदन एक फिल्म पहले की आवारा बलम कल्लू के साथ, फिर फिल्म कर रहे हैं बब्बर कल्लू के साथ, ये कल्लू दोबारा क्यों? दोबारा ही नहीं, तिबारा भी, इसके बाद एक और फिल्म जा रहा हूँ करने जिसका नाम है प्रयागराज। अच्छा, उसमें भी कल्लू ही है, तो एक बाउंडेशन है, अच्छी बॉन्डिंग है हम लोगों के बीच में, एक दूसरे को समझ पाते हैं ठीक से। जब स्क्रिप्ट शुरू करते हैं काम करने के लिए तो कल्लू का कंट्रीब्यूशन भी होता है, साथ में बैठ कर स्क्रिप्ट पे भी काम करता है, साथ में म्यूजिक भी बैठता है, तो वो एक अलग बाउंडेशन है। और मुझे लगता है कि एक डायरेक्टर और हीरो के बीच जब एक अंडरस्टैंडिंग होता है तो शायद फिल्में ज़्यादा बेहतर बनती है, तो वो कोशिश रहता है। बाकी तनुश्री, जब मैं असिस्टेंट था तो उस समय से मेरी फ्रेंड है और उस समय भी हमने फिल्म किया था साथ में, दो फिल्मों में, और आवारा बलम में भी यही जोड़ी थी और अभी बब्बर में भी सेम जोड़ी है, तो आगे भी और बनाते रहेंगे, फिल्में रेगुलर बन रही है अभी। तो आवारा बलम के बाद लगा कि वापस रिपीट करना चाहिए, तो बब्बर की, और बब्बर का जो जिस कैनवास पर हमने शूट किया है बब्बर, तो मुझे लगा कि उसके बाद फिर वापस रिपीट करना चाहिए, तो दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है फिल्में बब्बर इज बैक, और शायद इसका मैं आने वाले दिन में सिक्वल भी अनाउंस करूंगा, बब्बर इज बैक और बब्बर 3 एंड और ऑल दैट जो भी होगा। मैंने अक्षय कुमार साहब को सुना था गब्बर, गब्बर इज बैक, ठीक है, अब गब्बर के बाद बब्बर इज बैक, मतलब आप फिर से अक्षय कुमार साहब को भोजपुरी में ला रहे हो? एक्चुअली वो कैरेक्टर नहीं है, नहीं वो उस टाइटल से, इस टाइटल को कोई लेना देना है, वो एक अलग बैकड्रॉप की फिल्म थी, ये एक अलग बैकड्रॉप की फिल्म है, वो गब्बर इज बैक था, ये बब्बर है, बब्बर इज बैक मैं बाद में बनाऊंगा, इसका एक रिस्पांस देख लूँ कि मार्केट में पब्लिक कितना पसंद करती है इस फिल्म को, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, और पब्लिक अगर चाहेगी कि फिल्म बननी चाहिए वापस बब्बर इज बैक, तो बब्बर इज बैक वापस हम बनाएंगे। वैसे तो फिर आवारा बलम पार्ट 2 क्यों नहीं बनाई? देखिए कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ टाइटल्स ऐसे होते हैं जिसके 2 नहीं बनाए जा सकते, आजकल बहुत ज़्यादा फिल्में बन रही है भोजपुरी में जिसके 2 बनाए जा रहे हैं, इसलिए कि वो पिछली हिट रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो लोग फिल्में बना रहे हैं 2 और 3, तो कुछ टाइटल्स ऐसे होते हैं जिसके 2 और 3 का कोई मतलब नहीं होता है। बब्बर एक ऐसा टाइटल है, एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके हम सीक्वल्स बना सकते हैं, भले फिल्म हिट हो या ना हो, फिल्म हिट होने के बाद ही, क्योंकि सीक्वल बनाना तब अच्छा लगता है जब फिल्में हिट होती है, तो फिल्म अगर लगेगा कि पब्लिक को पसंद आ रही है और पब्लिक को पसंद आई, तो मैं फिर कोशिश करूँगा कि इसका सीक्वल बना, और मुझे लगता है कि जो जिस कैनवास पर मैंने ये फिल्म शूट किया है और एक अलग ही क्लास की फिल्म है,
थ्रिलर भी है, मस्ती भी है और एक अलग ही मिशन है फिल्म में हीरो का। तो वो एक जो कैरेक्टर हमने प्ले कराया है कल्लू से, तो वो मुझे लगता है कि लोगों को पसंद भी आएगा और वैसे कैरेक्टर्स को हम जोड़ के और सीक्वल बना सकते हैं फिल्म। तो कुछ ऐसे टाइटल्स होते हैं जिसका सीक्वल बननी चाहिए, बट ठीक है अभी लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है कि कुछ भी बना दो, अगर हिट है तो फिर उसका सीक्वल बना दो, टाइटल मैच करे नहीं मैच करे उससे कोई मतलब नहीं है। अरविंद वैसे आप क्या कहते हैं, आपको लगता है कि आरावलम ऐसी फिल्म थी जिसका पार्ट टू नहीं बन सकता था? जैसे कि चंदन भैया ने बताया कि कोई टाइटल ऐसा होता है जिस पे शूट करता है टू, जैसे आवारा बलम, अब टू क्या दिखाएंगे, आवारा बलम था बलम आवारा आवारा जो आवारा था बलम फिर से आवारा बलम आवारा था वो बलम, नहीं, वो फिर टाइटल को जस्टिफाई, टाइटल आवारा था वो बलम बन गया, अब खत्म हो गया। लेकिन बब्बर ऐसा है, आप लोग क्लाइमेक्स देखेंगे जब, तो इस जगह पे छोड़ा गया है कि नहीं, अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर बब्बर आ सकते हैं, मतलब बब्बर इस फिल्म शूट करते टाइम ही ये क्यूरियोसिटी छोड़ी जाएगी ताकि पार्ट टू के लिए जगह रहे। क्यूरियोसिटी भी छोड़ी जा रही है और जो कैरेक्टर है बेसिकली फिल्म में डिपेंड करता है, जैसे धूम बनी तो धूम में हमेशा एक चोर की कहानी रही है, तो हर बार चोर बदलता है लेकिन करता चोरी ही है, तो वो एक कैरेक्टर है। जैसे गोलमाल आप देख लो पूरा सीरीज, तो उसमें कॉमेडी की एक सीरीज है पूरी, वो उनका अलग अलग कैरेक्टर एक किरदार बनाया गया है, तो उस हिसाब से हर सिनेमा का अपना एक ग्राफ होता है। जैसे वो चुलबुल सलमान खान की फिल्म आई थी दबंग, दबंग टू बनी, तो वो एक पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर था उसका, तो वो कैरेक्टर के हिसाब से टू और थ्री और सीक्वेंस बनते हैं, वैसे प्लॉट्स होते हैं। कब तक आप आएगी, मतलब जब हम बेसिकली जो फिल्म का क्लाइमेक्स आपने कहा कि देखोगे आप लोग, तो हम क्लाइमेक्स कब देख पाएंगे फिल्म का? पहले तो इसी महीने में आप लोग इसका पहला झलक देखेंगे, फर्स्ट लुक तो हम लोग पोस्टर लॉन्च किए हैं, लेकिन पहला झलक जो टीजर होगा या ट्रेलर होगा, टीजर, हाँ टीजर इसी महीने में जनवरी में 2019 में मेरा पहला टीजर लॉन्च होगा और बहुत जल्द आप लोग के बीच डेट भी अनाउंस किया जाएगा। तो उम्मीद है कि बब्बर के फर्स्ट लुक से ही आप लोग का प्यार मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तनुश्री जी वैसे चंदन उपाध्याय ने आपको क्या कहा बेसिकली कि भैया ये फिल्म करनी है तनुश्री जी, और आप तैयार हो गई बब्बर के बारे में जब आपको बताया? नहीं, आप जब ये असिस्ट करते थे हमने इनकी पहली फिल्म की थी, उस वक्त इनके अंडर में काम करने का अलग ही मजा है, इनका जो टेस्ट है म्यूजिकली बहुत ही स्ट्रांग रहे, एंड यू ऑल नो दैट कि आवारा बलम म्यूजिकली बहुत बहुत स्ट्रांग था, तो जब भी इनका ऑफर आया तो मैंने कुछ भी नहीं सुना, स्क्रिप्ट नहीं सुना, मैंने सिर्फ इतना कहा कि भाई डेट बोलो मैं आ जाऊँगी। बहुत आसानी से देखिए बोलना नहीं चाहिए, सारे डायरेक्टर लोग अच्छे काम करते हैं, सारे लोग अच्छे हैं, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चंदन उपाध्याय जी हमारे सर जो हैं बड़े भैया, चंदन भैया हमेशा बोलता हूँ, आवारा बलम जब ये सुनाया तो मैंने बोला नहीं भैया हमसे कहाँ, इतना हार्ड कोर एक्शन होगा यार, मासूम सा बच्चे का जान लेंगे, कहा बोले कि तुम चलो तुम कोशिश करना। और उस दिन के बाद से मुझे ये पूरा 100 में 150% भरोसा रहता है चंदन भैया जब भी करेंगे तो हमारे लिए अच्छा फिल्म करेंगे। तो मैं भी बिना स्क्रिप्ट सुने ही बब्बर जैसे ही सुना तो एक लाइन बताएं, मैंने बोला फाइनल किसी, तो ये एक इन पर पूरा भरोसा है। अगर कोई बीच गंगा में भी जाकर बोलेगा कि आपके साथ ऐसा नहीं ऐसा करना है, मैं इनके साथ हमेशा रहूँ, मतलब ये इनका विश्वास था कि कल्लू ये कैरेक्टर कर सकता है। इसमें भी बहुत मेहनत करा है भैया, उसमें तो 12-13 दिन एक्शन करा है, धूल में लेटा है, इसमें भी बहुत ज़्यादा एक्शन करा है, तो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा और अलग तरीके से शूट किए हैं, तो उम्मीद है कि आप सबको जरूर पसंद आएगा। चंदन जी वैसे आपके इस विश्वास में इनकी कोई हड्डी पतली उंगली मसल जबड़ा कुछ तोड़ा क्या है? मैं एक्टरों को बहुत जो भी काम कराता हूँ, हाँ ठीक है थोड़ा खतरा लेना पड़ता है, जो फिल्में मैं प्लान करता हूँ वो थोड़ा डिफिकल्ट जरूर होता है, थोड़ा नया भी होता है, और एक्टर वही होता है जो सिनेमा के हिसाब से ढल जाए, और ये दोनों परफेक्ट ढलते हैं सिनेमा के हिसाब से, जो कैरेक्टर्स होता है उसको जस्टिफाइड करने के लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं लोग, तो अच्छा भी लगता है। जब एक सिनेमा आवारा बलम जब मैंने शुरू किया था तो मुझे इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट लोगों ने बोला था कि तुमने कैरेक्टर गलत चुन लिया, हीरो गलत चुन लिया, वो जस्टिफाइड नहीं कर सकता है, वो चॉकलेटी लड़का है, वो नाचने गाने वाला है, वो एक्शन नहीं कर पाता है। तो मैंने बोला मेरे पास तो बाकी कोई है नहीं, जो है यही है, अब जो करना होगा यही करेगा, देखते हैं क्या होता है। खैर सेट पे जाने के बाद लोगों की जो धारणा थी कि नहीं कर सकता है तो वो बदला, और सेट से लोगों के पास फ़ोन पे फ़ोन गया कि अरे यार ये कितना बड़ा स्टार है कल्लू, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अंदर जो एक्टर छुपा है वो मैंने आज देख लिया। तो ये मेरे लिए वो जो क्षण था वो बहुत अच्छा था कि चलो जो मैंने कैरेक्टर्स के लिए जिसको चुन के लाया था तो वो लोग अभी से पसंद करना शुरू किया। और आवारा बलम जब आया तो आप अभी भी देखिए यूट्यूब पे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बैड कमेंट किया होगा किसी चीज़ को लेके कि तुमने एक्ट अच्छा नहीं किया या फिर गाने अच्छे नहीं हैं या सिनेमा अच्छा नहीं है, तो
तो अच्छा था। उसके बाद अभी जो बब्बर मैंने किया फिल्म, तो एक अलग ही कैनवास, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ क्लाइमेक्स के लिए 21 इनोवा मंगवाया था। उस दिन मैंने 5 कैमरे से शूट किया है पूरी फिल्म, तो एक अद्भुत क्लाइमेक्स आपको देखने पड़ेगा। दूसरा चीज़, रूटीन फिल्म नहीं है बब्बर, एक रूटीन नहीं है, वो अलग कैनवास की फिल्म है, अलग स्टाइल की फिल्म है। विलेन और हीरो की जो एक अलग ही कहानी है और उनका अलग जो झगड़ा है, वो आप एकदम रोमांचित करने वाला है, लगेगा ही नहीं कि आपको फिल्म हम कहाँ लेके जा रहे हैं ऐसा। अच्छा, विलेन के बारे में थोड़ा सा बताइए। विलेन संजय जी हैं, संजय पांडे जी, और जब उनको मैंने कहानी सुनाई थी तो उन्होंने बोला कि यार तुमने कुछ नया ही अजूबा ही लिख दिया इस बार, और अच्छा लगेगा करके। बेसिकली फोन कट उनके ज़्यादा थे, फोन कट और हीरो के बीच का जो बॉन्डेशन था वो फोन कट तो पूरी पिक्चर है उनकी। मैडम, तो इनका जो फोन कट था वो बड़ा एकदम, इन दोनों के बीच का जो वो फोन कट मैंने शूट करना शुरू किया तो संजय जी ने बोला कि मैंने फोन कट तो बहुत शूट किए हैं, लेकिन जिस स्टाइल से तुम फोन कट शूट कर रहे हो और जितना बिल्डअप दे रहे हो, वो शायद मैंने आज तक फोन शूट नहीं किया है। तो एक अलग ही स्टाइल की फिल्म मैंने बनाई है इस बार। कब तक आएगी संजन बब्बर? हाँ, बब्बर फरवरी लास्ट तक प्लान है, नहीं तो मार्च, फरवरी मार्च में आएगी फिल्म। और बहुत जल्द मैं अभी ट्रेलर, इसी महीने में टीजर और ट्रेलर आने वाला है मेरे फिल्म का, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेके। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 4-5 दिन पहले कल्लू जो फिल्म शूट करके आया था, तो बीच में हम जो भी हमारा बाकी का काम था प्री प्रोडक्शन का और पोस्ट प्रोडक्शन का, वो मैं कर रहा था। तो फिल्म थोड़ा सा, वो होता क्या है कि एक एक्टर एक सेट से जाकर दूसरे सेट पे जाता है, तो थोड़ा वहाँ लगता है कि अरे यार ये तो बहुत बड़ी फिल्म बन रही है, तो पीछे वाली फिल्म उसको लगता है कि चलो वो ठीक है, भूल जाता है लोग। अचानक जो मैंने शूट किया हुआ था पहला शेड्यूल लखनऊ में, तो वो यहाँ आके मैंने एडिट किया था, और एक दिन उसको बैठ के दिखा रहा था लैपटॉप पर, तो लैपटॉप पर देखा पिक्चर, उस दिन इसने कुछ नहीं बोला। दूसरा दिन बोला, भैया एक बात बोले, बोले क्या? बोला मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी फिल्म है, मुझे चलो नॉर्मली फिल्म है, लेकिन मैं तो पागल हो गया साला कैरेक्टर देख के, और जो आपने फिल्म शूट किया और एडिट किया है, तो करते हैं जल्दी जितना जल्दी हो सकता है वो ट्रेलर लॉन्च करिए, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो एक अलग ही, मतलब आपको दिखेगा फिल्म का पूरा नया कैनवास, और आपको भी दिखेगा, आप लोग भी फिल्में रोज आकलन करते हैं फिल्मों का और देखते हैं फिल्में, लेकिन ये वाकई में अलग फिल्म है। थैंक यू। पहले तो मोहिनी घोष का नमस्कार प्रणाम। हम लोगों की बब्बर की शूट हो रही थी लखनऊ में, उसका कुछ सिक्वेंस एंड कुछ गाने बाकी रह गए थे, तो 2019 का हम लोगों का पहला मूवी है बब्बर, जिसका शूट अभी चल रहा है गाने का। इस फिल्म में आपके आज गाने शूट हो रहे हैं, क्या मूड है, क्या बनाना है? मूड बहुत अच्छा है, बहुत हैप्पी मूड है। शादी के पहले एक्चुअली मुझे शादी करने का मन नहीं रहता है, तो मेरे घर से बहुत प्रेशर रहता है कि एक बार लड़का से मिलके तो देखो कि कैसा है, तो ज़बरदस्ती मुझे घर से भेजा जाता है। मेरी जो बहन है इस मूवी में, जो मेरी बहन की कैरेक्टर कर रही है तनुश्री, तो वो मुझे भेजती है कि जाओ जाके लड़का से मिलो, मिलके शादी अपना सेट करो पहले। शादी सेट हो पाई या नहीं हो पाई ये मेहनत करने के बाद? नहीं, शादी पूरा पूरी सेट हो गई और शादी भी हो गई। शादी जरा बताएं बब्बर के बारे में, अब तक क्या कहानी शूट हो पाई है? बेसिकली 99% शूट हो चुकी है हमारी बब्बर मूवी की, और 5% के आसपास बाकी रह गई है, तो वो कल तक पूरा हो जाएगा, पूरा पैकअप हो जाएगा मूवी का। और अभी तो गाने का शूट चल रहा है, और बब्बर के बारे में ज़्यादातर बोला जाए तो बहुत अलग टाइप का ये मूवी है। वैसे तो सबको ही बोलता है कि मेरी मूवी बहुत अलग है, लेकिन बहुत रोमांस तो इसमें नहीं दिखाई देगा, ऐसे क्लाइमेक्स वगैरह फाइटिंग वगैरह बहुत अच्छा इस मूवी में, और बहुत अच्छा दिखने को मिलेगा आप लोगों को। वैसे पहले आपने कल्लू के साथ कोई फिल्म की है? हाँ जी, ये लेके मेरा कल्लू जी के साथ चौथा मूवी है। वैसे तो मैं और कल्लू जी एक जोड़ी, मैंने हीरो हीरोइन एज ए उनके ऑपोजिट में काम की हूँ, बाकी इस मूवी में मैं उनकी भाभी बनी हूँ और उनके ऑपोजिट में भाभी के रोल कर रही हूँ उनकी। कैसा एक्सपीरियंस था कल्लू के साथ? बहुत अच्छा, कल्लू जी के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पहले भी रहा है, और अभी भी मैं उनके ऑपोजिट में भाभी के रोल कर रही हूँ, अभी भी बहुत अच्छा उनके साथ मेरा क्लाइमेक्स रहा है, बहुत अच्छा, मैंने इंसान बहुत अच्छे हैं, माय डियर इंसान है, बहुत अच्छे, मैंने बहुत अच्छे दोस्त भी हम लोग बहुत अच्छे हैं।
वैसे अभी ये साहब ने आपसे ज्वाइन किया है हमें, इनके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। इनके बारे में क्या बताएं, इनकी पहली मूवी है और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर है और हम लोग साथ में पूरा टीम मिलके इनके साथ दे रहा है और साथ में काम कर रहे हैं। पूरा टीम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है इनको, क्योंकि नए कोई प्रोड्यूसर हम लोगों के सामने आते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं जितना हो सके कोशिश करें कि वो और आगे जाए, बस यही। तो बताएं अपने बारे में और बब्बर के बारे में, क्या बेसिक बब्बर में? देखिए, बब्बर तो अपने आप में एक टाइटल, वैसे भी एक्शन टाइटल है बब्बर, और हम लोग हमारी ये पहली फिल्म है एज ए प्रोड्यूसर, और मैं इस फिल्म को मतलब शुरुआत किया था तो मुझे नहीं लगता था कि इतनी बड़ी मूवी मैं कर पाऊँगा, लेकिन बहुत अच्छा सपोर्ट मिला पूरे यूनिट का, पूरे आर्टिस्ट और सारे लोगों टेक्नीशियन का, और आज हम लोग फाइनली एक बेहतरीन फिल्म एक्शन मूवी फिल्म कर रहे हैं। वैसे आप इससे पहले आपने भोजपुरी फिल्में देखी हैं? हाँ, इससे पहले तो भोजपुरी फिल्में मैंने बहुत देखी, क्योंकि पहले से भी मैं बिलोंग करता हूँ पूर्वांचल से, तो हम लोगों का भोजपुरी में इंटरेस्ट ज़्यादा ही रहता है, तो इसीलिए शुरुआत भी भोजपुरी से की है। तो भोजपुरी में आपने कल्लू की फिल्में देखी होंगी, मैंने घोष की फिल्में देखी हैं। हाँ, बहुत देखी है मैं ऑलरेडी, कल्लू जी की बहुत सारी फिल्में देखी हैं। कल्लू जी को तो मैं, खैर वो 9-10 साल से जब गाते थे तो उनका गाना मैं सुनता था, ऑलरेडी उनका फ़ैन था ही, तो मुझे एक वो भी था कि मैं फ़र्स्ट फिल्म उन्हीं के साथ करूं, और मैंने जैसा सोचा था वैसा हुआ मेरे साथ, और अच्छा लगा सब लोगों के साथ काम करके, और मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। मोहिनी जी, आपको मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा। वैसे तो कल्लू जी के साथ इसके पहले भी बहुत सारे मूवीज़ की है और हम लोग हर सेट पे बहुत हंसी मज़ाक करते हैं। एज ए प्रोड्यूसर इनके ऑपोजिट में काम कर रही हूँ, बहुत प्रॉपरली, बहुत ज़्यादा, बहुत साथ देने वाला, मतलब इनको अगर कोई चीज़ का ये होता है तो ये पूछ लेते हैं कि किसको कैसे करना है, तो ये चीज़ अच्छा लगता है इनका, और थोड़ा कम बोलता है इसीलिए और ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बोलते तो थोड़ा अच्छा नहीं मैं चाहूँगा अगली फिल्म में के गोस्वामी जी आपके हीरो हों। अच्छा ये बोलने वाली शिकायत दूर हो जाएगी। और मोहिनी जी, बाकी कौन कौन सी फिल्में हैं आपको? जी, मेरी अभी आने वाली मूवी 2 मूवी है अभी, बाकी तो बहुत सारे मूवीज़ हैं, लेकिन 2 मार्केट में भी आने वाली है जल्दी, वो है एक राधे, जिस मूवी में है मैं कल्लू जी के ऑपोजिट में हूँ, और रवि किशन जी भी है उस मूवी में, और मैं एक उसके बाद एक मूवी की मिली तो मिली ना तो जय सियाराम, जो गोलू जी के ऑपोजिट में हूँ मैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।